खबर कानपुर देहात से है। बीते दिनों मंडौली गांव में झोपड़ी के अंदर मां बेटी की जलाकर मारने की घटना ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में आरोप पत्र भी निकाले गए। आरोपियों तत्कालीन उप जिलाधिकारी मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, तत्कालीन रूरा थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम आदि व आरोप पत्र के आरोपियों को हत्या की धारा सहित अन्य संगीन धाराओं में तलब करने हेतु मामले के वादी शिवम दीक्षित द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की न्यायालय में पूर्व दाखिल प्रार्थना पत्र में वादी शिवम दीक्षित की तरफ से उसके अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान विस्तृत बहस की। मामले में अब शेष बहस हेतु अगली सुनवाई की तिथि 29 नवम्बर नियत करने के आदेश न्यायालय ने पारित किया। अधिवक्ता जितेंद्र चौहान ने बताया कि वादी शिवम दीक्षित ने थाना रूरा में लिखित तहरीर देते हुए तत्कालीन एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद कानूनगो, लेखपाल अशोक सिंह, तत्कालीन थाना अध्यक्ष रूरा दिनेश कुमार गौतम, अज्ञात 3 लेखपाल सहित 11 नामजद सहित 15 से 20 महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 14 फरवरी 2023 को इस आरोप के साथ थाना रूरा में मुकदमा पंजीकृत कराया था कि आरोपियों ने विधि विरुद्ध तरीके से वादी की झोपड़ी से बेदखल करने की नीयत से झोपड़ी को जेसीबी से गिराया गया जिसमें आग लगाकर उसमें मौजूद वादी की मां बहन को जिंदा जलाकर मारा गया था तथा वादी को आग में फेंक कर जलाकर मारने का प्रयास किया गया। घटना में वादी के पिता गंभीर रूप से जल गए थे। मामले में पूरे देश में घटना को लेकर आक्रोश फैला था। मामले को राजनीतिक दलों ने प्रदेश विधानसभा से भी उठाया था। मामले में शासन ने विवेचना एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे। एसआईटी की विवेचना पूर्ण करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में 2 अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए। पहले आरोप पत्र में जेसीबी चालक के विरुद्ध 304A लेखपाल अशोक सिंह के विरुद्ध 427 व 120B में पहला आरोप पत्र व 3 अन्य आरोपियों के विरुद्ध 427 व 120B भारतीय दंड संहिता में दूसरा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुए एसडीएम एवं कानूनगो तत्कालीन थाना अध्यक्ष रूरा अन्य सिपाहियों व आरोपियों को मामले में नामजदगी गलत बताते हुए उन्हें विवेचना में निर्दोष बताते हुए आख्या भेजी है। मामला अब इसी बिंदु पर सुनवाई हेतु न्यायालय में नियत है और न्यायालय ने वादी शिवम को अपना पक्ष रखने हेतु सम्मन भेजा था। वादी शिवम ने कहा कि वह मामले एक हर एक के दोषी को खंडित कराने हेतु हर स्तर पर पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाएगा। न्यूज़ उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो।